उछा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। रूपा, ये किचन का हाल देखो, किचन देखो और पीछे देखो। सुनो, रात की चाय बंद करनी पड़ेगी क्योंकि रात में कुछ। अच्छा सुनो, रात की चाय पीने के लिए आखिरी तीन चार लोग जो बैठे हुए थे उनमें से हारी हुई टीम में से कौन बैठा हुआ था? इन्होंने कहा दो तीन लोग बैठे हुए थे, तो जरूरी नहीं है कि नेहा अगर डिनर के बर्तन धो के चली गई है बेचारी, ये बात के चाय वाले बात, तो कोई लड़का भी धो के जा सकता था हरी भी टीम में से। आपने जो जो मुझे कहा था वो तो मैंने धो दिया था। कोई लड़का भी क्लियर करके किचन जा सकता था, जरूरी नहीं है नेहा ही उठ के आती से होके। चाय के भी बर्तन छोड़ के गए थे, सारे बर्तन। अच्छा अभी वो धो रहे ना नेहा, सिर्फ बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा बर्तन। हाँ मैं देख रही हूँ ना, मैं आज देख लूंगी। चलो पराठे और दिन के एक्स्ट्रा बर्तन और रात के एक्स्ट्रा बर्तन, बाकी सबके बर्तन हम खुद धोएंगे। शुरू, गुड मॉर्निंग। अब वही है हमारी, ये तो दूसरा है सर, पहला मैं देख चुका था। आपकी वेरी गुड मॉर्निंग। बर्तन कुछ भी हो सकता है, ये चम्मच गीला ज्यादा क्यों है? इस पे 8 कतरे गिरे हैं, 12 गिरने चाहिए थे। एनीथिंग, बात सुने अरुबा, फिर रात के बर्तन फिर कोई और करेगा, फिर मैं नहीं करूँगी। बर्तन तो आपको करने पड़ेंगे नेहा, हर किसी के दो काम है, एक काम नहीं। चाय वाले की बात एक, हो रही है। एक काम तो आप अभी सुबह के आप नहीं करी, एडी कर रहा है ना, आप छोड़ दो। एडी खड़ा हुआ है ना, नजर आ रहा है, आप देखो ये रहा एडी। बर्तन प्लीज साफ होने चाहिए, ठीक है, बर्तन साफ धोना। और वो क्या कहते हैं आटा, क्या कहते हैं आटा, और ये बर्तन है रात के, बस यही है। आटा और दिन और रात के बर्तन जो यार, दिन और रात के। मेरी बात सुनो, सब अपने खुद धो रहे हैं। मैंने किया नहीं जान, नहीं धोए अभी, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सिर्फ आटा गूंद बेलने की मैं तुम्हें एक ड्यूटी दे दूं, नहीं दे सकती नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। फिर क्या, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन दो टाइम के बर्तन इज टू मच। मैंने रात को भी इतने धोए हैं, फिर आके रख देते हैं बर्तन। मेरी बात सुनो, मैं लड़ाई तो नहीं कर सकती किसी से, लेकिन सबको धोने चाहिए ना, सब अपने बर्तन खुद भी धो रहे हैं। नहीं अभी एडी धो रहे हैं, अभी धो रहे हैं, लेकिन रात के भी थे यार। मैं बता लूंगा आपको, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मुझे नहीं बताओ ना, मैंने बताना है आपको। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कल क्या हुआ है, कल जो भी हुआ है छोड़ दे, कल को छोड़ देना, उसकी भी ड्यूटी नहीं है, वो आप कर रहे हैं। गलत हो रहा है, जुल्म बर्दाश्त करने थोड़ी आई हूँ। सभी कर रहे हैं जुल्म बर्दाश्त, कोई आप अगर नौकरी नहीं कर रहा, कोई नहीं जुल्म बर्दाश्त कर रहा, सब कर रहे हैं। अरे सब कर रहे हैं, हद हो गई है यार, सब करते हैं अपना अपना काम बराबर। एक पराठे बेलने पे मैं आपको पूरा दिन कह गया था, आपने जो और आप एक्स्ट्रा बर्तन धो रही हैं, ऐसे बर्तन नहीं धुलने, धोने में रखो आप एक्स्ट्रा बर्तन भी, सारे बर्तन धो रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आती है बात, जिनके दिमाग में नहीं घुस रही बात, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी दोस्त की पीठ पे खंजर घोंपा है इसने, नहीं घोंपा है, नेहा की चाय की तारीफ की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इंप्लाई कर रहा हूँ कि आपने कहा नेहा ने अच्छी चाय नहीं बनाई। अच्छा एडी, यानी आज के बाद मैं भी एडी बोलूंगी। एडी आप क्या बोल रही थी? असिस्टेंट डायरेक्टर। आप नहीं बोल रही थी एडी ऑल द टाइम? नहीं आप बोल रही थी। हाँ हाँ एडी बोलो ना, फिर मैं, फिर आप भी हमारे गद्दार, फिर आप पहले भी हमारे, सबसे पहले इस घर में किसने दोस्त बनाया आप भी हमारे बैठक का हिस्सा बन जाएंगे। पहले दिन इस घर में दोस्त बनाया एडी, आप एडी बोलेंगी तो आप हमारे बैठक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आप लोनली फील कर रहे थे पहले दिन, मैंने आपको इस घर में दोस्त बनाया। दोस्त मत दी चिक चिक, आई कांट वेट दिस। Oh my God! Oh fuck! ठीक है, मैंने आपको दोस्त बनाया, मैंने आपको सिखाया दुनिया में कैसे चलते हैं,
हाँ, और अपनी ही दोस्त की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। घोंप रहे और रीटेक पे रीटेक दे जा रहे पर रीटेक में नताशा इमेजिनेशन मुझे चुपला ही नहीं बोलता नताशा इमेजिनेशन अच्छी आप ड्रामे लिखा करें इमेजिनेशन बहुत अच्छी है साईफाई ड्रामे साइंस फिक्शन ड्रामे अब तुम अपनी दोस्त को जूते भी मारोगे नहीं ताने नहीं है ताने उसमें लीड वो करेंगे उसमें लीड भी वो करेंगे साईफाई ड्रामे गर्मा गर्म फ्रेश ताने हाँ मैं लीड करती हूँ तो लीड में कर लूंगी मुझे लगता है हम ही हैं जो एंड तक रहेंगे और उन पांच में से तीन तो ये रहे और हम ही हैं जो इंशाल्लाह बोला कर इंशाल्लाह ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हमेशा बोलता हूं और हम ही हैं जो रंगीन रखेंगे देखो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पहाड़ को तो चींटी गिरा देगी मैं ये सोच रही हूँ चींटी भी कब तक खैर मनाएगी आपसे बहुत पहले का ये सोच रही हूँ दो दिन से तुम्हें हां मैं ऐसे भी नहीं सोच रहा इस बारे में वो अपना गेम खेल ही नहीं रहा वो क्यों नहीं सोच रहा वो सिर्फ लड़का है दुनिया देख ली उसने मैं यही तो कह रही हूँ मुझे लगता था ये बहुत समझदार लड़का होगा लेकिन नहीं भाई एकदम मुझे पता मुझे कब हिट हुआ आपको पता ना था परसों जो उसने गेम में भंड किया ना मेरे और अरुबा के साथ अरे अपना दिमाग ही नहीं चला रहा क्या हो गया अपनी गेम खेलो भाई और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बोलेगा कि नहीं फैजान और अरुबा जीत गए तो मैं कहता हां यार ये अपना इसका दिमाग सही चल रहा है जब उसने कहा ना कि नहीं सॉरी आप डिस्क्वालीफाइड मैंने कहा हैं मैंने कहा लो भाई ये लड़का किसी और डगर पे निकल गया हो गया उसका दिमाग उसकी सुनने समझने की सलाहियत जा चुकी है माउफ हो चुका है उसका दिमाग ही नीड सर्जरी बाय डॉक्टर राणा ड्रिंक ड्रिंक वाओ सबर ये वाला हम ये मेरे घर से आया है सो स्वीट और ये मुझे मजीद तोड़ने के लिए आया मुझे लग रहा है हाँ, ये तस्वीर होगी बेटी की वो तो आया लेकिन उसकी बिब भी आई है मेरे लिए नहीं नहीं बैठ के इट विल स्मेल लाइक हर एंड नहीं नहीं अभी हो गया अंदर हो गया वो अंदर मैं सेशन वॉल अंदर कराया हूँ मैं चुपचाप थैंक यू माहम थैंक यू And it says smile more. Smile. फैजान जी सर आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मैंने कहा था कि मेरे पास हादिया की क्लिप नहीं है हादिया की क्लिप आ गई और इत्तेफाक से मैंने येलो पहना है थैंक यू और ये बेब है इसकी बेब है मुझे पता है ये पहन ले हाँ हाँ मैं तो उसकी शर्ट आती तो मैं वो भी पहन लेता कैसे वो मेरा बाजू में हाथ में आएगी हटा दूँगा हाँ येलो गले के हटाऊँ ओह माय लव I can understand बिल्कुल ये चीज अच्छा इधर देखो इधर चैंपियन मैं बाहम तो नहीं मगर वैसा ही कुछ देता हूँ कहते मगर वैसा ही कुछ लगता हूँ Happy anniversary माँ Happy anniversary Happy anniversary Stay blessed Good one man Good one Happy anniversary हम कह रही होगी माहम को तो मैं बाद में आप रो सोच तेरी एनिवर्सरी की वजह से हम कह रही होगी ये दोनों क्या होगा ना जाएगा ना जाएगा लग्जरी आइटम है बेटा ना लग्जरी आइटम थैंक यू गाइस थैंक यू गाइस थैंक यू माहम मीठा गाइस मैंने बात सुनी है मैंने ताली बजाई है इस बात में इसी बात पे कि यार क्या बनी ने बंदूक वाली शर्ट पहनी घूम रहा मुझे गार्ड समझो अरुबा भी मुझे जो है ना वो गनमैन की तरह बुला रही होती हैं एडी नहीं प्यार से लेकिन काम बहुत करवा रही है प्यार से इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि प्यार से बोल रही है ये है बात उन्होंने मुझसे सुबह कहा एडी आपको पता है कल रात के चाय के बर्तन जो है वो साफ नहीं हुए थे मैंने कहा मेरी टास्क तो नहीं थी कहती आप धो दें इसको मैंने कहा आप रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट कह रही हैं या ये कह रही हैं कि मैंने अपना टास्क नहीं किया क्योंकि मेरा वो टास्क था ही नहीं कहती नहीं मैं आपको एज अ रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर ओ यानी किसी ने बर्तन
बर्तन छेड़े ना तो फिर मैं उन्हें छेड़ दूंगा, ये बर्तन मैं साफ करूंगा क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर नहीं उन्होंने प्यार से ऑर्डर दिया, प्यार से ऑर्डर। अब कोई छेड़ के दिखाया, यही वक्त है देती रहो ऑर्डर्स। एडी जैसा बंदा नहीं मिलेगा आपको, एडी जैसा वर्क हॉर्स नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट। इनको एक मैंने पहले टास्क दिया था, बहुत ही बुरा खेला इन्होंने। उसके बाद मैं इनके पास आया था कल और इनसे मैंने कहा था कि आज का जो टास्क होगा उसके अंदर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं ये क्या समझे। आइए, क्या हालात है, बैठ जाए फैजान सर। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मच सर। आपके लिए डोनट्स रखे हैं, अगर आप डोनट्स मिल गए आपको सर। सर बस पिछले भी मिल गई जी सर। वेरी गुड। और खुशबू से भरा हुआ बेटी का रुमाल, इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। बच्चों के हवाले से एक बात शेयर करता चलूं, अगर आपके पहले बेटे पैदा हो गए हैं तो वो आपके दोस्त की तरह रहते हैं, जब बेटी पैदा होती है तो आप बाप बन जाते हैं, जब तक बेटी नहीं पैदा होती बाप नहीं बनते। और कमाल की बात यह है कि माशाल्लाह मेरी दो बेटियां एक बेटा है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी बेटियाँ ये पूछती हैं अब्बा, मुझे अब्बा कहती हैं, अब्बा कब वापस आ रहे हैं घर आप। और बेटा जो होता है ना, बेटा बेटा कहता है अब्बा क्या ला रहे हो। अली भाई ये अंदाजा है यार, आप सब लोग कितना मिस कर रहे होंगे। ये जो काम कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे इस वक्त रियलाइज नहीं करते, जब बच्चे आपकी जैसे हो जाते हैं फिर उनको पता लगता है, हाँ यार मेरे अम्मा अब्बा जो मेरे लिए कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, मगर जिनकी शादियां हो गई हैं आप उनसे पूछें कि औलाद क्या होती है उनके लिए, इससे बड़ा तोहफा अल्लाह ताला का कोई हो ही नहीं सकता। एंड आई अंडरस्टैंड जुनैद, मैं तुम्हारी अक्सर इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ पोस्ट, स्पेशली मुझे वो पोस्ट तुम्हारी बहुत अच्छी लगी थी जिसमें तुम एयरपोर्ट पे तुम अपनी बिटिया से मिल रहे थे, और आपकी रूबा बेटी की आंखें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, और आप तो माशाल्लाह पावर मदर हैं। आई नो दैट द वे यू हैव टेकन केयर ऑफ योर डॉटर्स वो कमाल है माशाल्लाह। सो इन्जॉय करें इस फीलिंग को, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं। बस दुआ आप सब के लिए, आप लोग मेरे लिए भी कीजिएगा कि हम सबको सदाबहार आबाद रखें और हमारी औलादों को सेहतमंद और आबाद रखें, उनके नसीब अच्छे करें, आमीन। चलें अब आज के खेल की तरफ आते हैं, ये है वीट का खेल। वीट क्या कहता है, जस्ट वीट इट, तो आज का खेल है जस्ट ग्रैब इट। कल मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिविजुअल मौका दूंगा आप सबको, अब दे रहा हूं मैं। करना क्या है मैं अब आपको बताता हूं, कितनी स्टिक्स पड़ी हैं, 10 पड़ी हैं, 10 लोग क्या हैं, खतरे के घर में हैं। अब हर बंदे के हाथ में एक एक स्टिक होगी, इस गोल दायरे के अंदर वो शख्स खड़ा रहेगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये जब सायरन बजेगा ये याद रखना है, ये क्या सायरन है, सायरन दीजिए, सायरन नहीं हॉर्न है ये जी, ठीक है ना। ये कौन सी वैगन का है, W11। तो बड़ा सिंपल है, जैसे ये हॉर्न बजेगा आपने अपनी स्टिक छोड़नी है, दूसरे की स्टिक पकड़नी है, जिसके हाथ से स्टिक निकली वो खतरे के घर में ही रहेगा, और जिसके हाथ में आखिरी
टाइम तक स्टिक रहेगी तो वो सेफ हो जाएगा। सेफ सिर्फ एक होगा बस, इसमें कोई शक है? हाँ, और इसको जज कौन करेगा? अरूबा। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द गेम। अरूबा आप इस गेम की जज हैं, अब आप ही को पता है क्या सही है क्या गलत है, चीटिंग तो नहीं हो रही हो, और आप ही को पता है कि क्या चीटिंग है और क्या नहीं है, हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है यार, आप लोग सब ना एक एक उस पे आउट डिस्टेंस, ये सब देखो, ये कोई छोटी भी ना आया, जहाँ जहाँ रस्सी है वहीं वहीं खड़े होना। किधर हो? अपनी मर्जी से नहीं, जहाँ जहाँ रस्सी है वहीं वहीं खड़े होना। आप अंबर जी, आप आउट। डंडा हटाओ, डंडा हटाओ, डंडा हटाओ, डंडा भी हटा। अच्छा तुम अंबर जी को बोलो, नहीं तुम्हारे यहाँ से अब क्या सर्कल छोटा करते जाएंगे, है ना? अब सर्कल छोटा होगा ना, अब आगे आएंगे, आगे आएंगे। स्टेप आई डोंट नो, अभी भी नहीं बोला, कवर करना होगा ना, आप बताएंगे। अली भाई यहां से थोड़ी भागेंगे, वहां तक आगे आ गया, हो गया आगे, ये भी तो आगे बाहर छोटा होता जाता है। अली भाई सीधा करें, अली भाई सीधा करें, डंडा थोड़ा इधर आए, बहुत करीब चले हैं, थोड़ा एक कदम नरेश, आप बल्कि हल्का सा एक स्टेप इधर। हाँ मैं भी जरा हूँ, अली भाई, अली भाई आप प्लीज सीधा रखें। सराना तुम्हारा अंबर जी के बाद गिरा था डंडा या पहले गिरा था? बाद। आर यू श्योर? मुझे नहीं याद, सच्ची बात, कसम से नहीं याद, झूठ नहीं बोल रहा। तो आप आ जाओ बाहर, अब तो मैं जो आपने अंदर फेंक दिया, अगले राउंड में आपने देखा ही नहीं, आपकी गलती है। आप उसका डंडा गिरा हुआ था, उसने मुझे कहा अंबर जी के बाद गिरा है। वो तो आप अभी पूछ रही हैं, तो मैं तो उनको कह रही थी कि आप लोग बाद में गिरा या पहले। अब तो आपने मुझे अंदर भेज दिया है, जंग से थोड़ी बुलाते हैं सिपाही को वापस, दूसरों की बातों में ना आए। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, मैं क्यों किसी की बातों में आऊंगी? आपसे मैंने बोला भी, आपने कहा अंबर जी के बाद गिरा है मेरा डंडा। वो आपने भी पूछा है तो मैंने बोला है। मुझे नहीं, नहीं आपने यहाँ खड़े होकर बोला, आप नताशा को ही बोल रहे थे। रहूं या आऊं? खेलें अब। देखो उसका भी गिरा है, वो खड़ा हुआ है, तो आई विल ऑल्सो गो बैक इनसाइड। मैं खुद से बैक आउट कर भी नहीं सकती। क्यों क्यों तुम आई? मैं वापस चली जाती हूँ, ये कोई दोस्ती वाली बात नहीं है, वन एट अ टाइम निकालना है, तो आई विल गो बैक इनसाइड। जाओ। 20 डिग्री एंगल पे रखा हुआ शुरू से, थोड़ा सा स्पेस बनाए। थोड़ी और, ये क्या और हुआ स्पेस करो। वो कह रहे हैं एक एक करके आउट कर रहे हैं, जिसका पहला गिरा है उसको पहले आउट। किसने कहा है? तो यार ये तो तुमने देखा था, किसका पहले आपका पहले गिरा? मैंने देखा ही आपको, वो उसने देखा नहीं था साथ ही, मेरा भी उसने नहीं देखा था, नहीं उसने मेरा भी नहीं देखा था, मैं खुद ही से चली गई थी, एंड आई कांट बैक आउट जस्ट लाइक दैट। ऐसे मैं भी कहूं उमर का टेढ़ा गिरा था, सीधा नहीं गिरा था अंबर जी, मैंने पहले गिरते हुए आपका देखा, इसने भी नहीं मेरा देखा, मैं खुद ही से चल के चली गई, आई कांट बैक आउट, खुद ही आके बैठी है, मैंने तो आपको बुलाया था सिर्फ। जो जो आउट होता है वो सारे यार, जो आउट हुआ उनको निकाल रहे हैं, तो वो चारों चले जाएंगे। तो वो तो राने का भी गिरा था ना, उसने उठा लिया जल्दी से, अरुबा ने नहीं देखा। राने आप भी बाहर आ जाओ, ज़ैनब आप भी आ जाओ, जिसका डंडा गिरा था वो आउट हो गया, दोनों के डंडे बाहर गिरे हुए थे, ज़ैनब आप भी आ जाओ। ठीक है हम दोनों ही नहीं कर रहे, मैं और राने दोनों आउट हैं। ये मेरी टसल में अरे बाहर हो जाए, आप लोग एक जैसे सर्कल कर लें। एक मिनट, आपने देखा था मेरा डंडा? आपका डंडा यहाँ गिरा था मेरे सामने, आप उठा रहे थे, ये मेरी टसल में मार रही थी। जैनब की बात नहीं करी मैं, अंबर जी को मरे बोला, अंबर जी करी राने को बाहर रहो। अच्छा अभी चली गई थी, अभी वो दोनों बाहर आ गए। यार अरूबा आप खड़े हैं तो खड़े रहने दो। नहीं ये बोल रही है तो मुझे बाहर आया क्या, वरना मैं तो अंदर था। जैनब ने बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने तो देखा यार। आई एम टॉकिंग टू यू। अरूबा जी आप इधर आए, डंडे ठीक कराएं, आप इधर फोकस रखें। यार मैं और राने खेलते हैं, राने मैं और तुम खेलते हैं। मुझे उन्होंने बोला बाहर निकलो, मैं आ गया। नहीं अगर सभी खेल रहे फिर आउट कोई हुआ ही नहीं है, वो भी आ जाए और आप भी आ जाए, सब आ जाए फिर यहाँ पे एक साथ दोबारा कर लो। नहीं एक साथ दोबारा नहीं हो सकता अंबर जी, आपका मैंने देखा है इसलिए आपको बुलाया था। आई एम गोइंग बैक इनसाइड, आई एम गोइंग बैक इनसाइड। और आप मेरे लिए बताएं, मैंने आपसे पूछा जिनके डंडे गिरे वो खुद इंसाफ के साथ बाहर चले जाए, दैट्स फाइनल। गिरा तो उसका भी था, आप भी आ जाओ। मैं तो चला गया, वो कैसे आ गई दोबारा? अरे वो कहाँ आई है? मैं खुद जाके बैठ गई थी, मुझे किसी ने बैठने को बोला ही नहीं था। यार जिनका गिरेगा वो बाहर आएगा, ये चोरी वाला गेम नहीं है, ये चोरी पहले राउंड में। जस्ट लिसन यार, तीन लोगों के गिरे थे, अंबर जी, जैनब और राणा, आप तीनों बाहर बैठ जाए। क्योंकि रूल में नहीं कहा था जिसका पहला गिरेगा, रूल में ये नहीं था जिसका पहला, जिसके गिर गए वो आउट होंगे, फिर बस खत्म बात, रूल से चलो।
मगर उन्होंने अपने मुंह से बोला था अंबर जी एंड ज़ैनब आउट, मेरा नाम नहीं लिया था। हाँ मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं अंबर जी को बोला था, मेरा नहीं गिरा। आपने दो नाम लिए थे ना, क्या लिया था? मैंने सिर्फ अंबर जी, मैंने सिर्फ अंबर जी, क्योंकि मुझे भी था कि एक एक करके देखो आई कांट बैक आउट ज़ैनब, लेकिन वो कह रहे जिस जिनके गिर रहे थे वो सब हो रहे थे, मेरा भी सीन देखा ही नहीं। नहीं मैं क्या हो गया ज़ैनब, अच्छा मैं खुद से बैक आउट तो नहीं कर सकती। नहीं आप बैठ जाओ ना, सब ने देखा है, मैंने भी देखा है, गिरे हुए तीन लोगों के थे ना यार, वो कह रहे जिन जिन की गिरते जाएंगे वो सब जाते यार। मैं अपने आई कैन फाइट फॉर माय राइट, आई एम स्टैंडिंग अप फॉर माय राइट, ये कह रही है, मैंने देखा था। ये गेम पूरे दिन तो नहीं चलता, रूल तो यही था एक, हां कि दोबारा दोबारा उठा के गिर गया आउट होगा भाई, एक एक करके आएगा ना भाई, रूल था एक एक करके बाहर आएगा एक। वो कहां है, भाई ने आज वाइट आ गया, उन्होंने अभी बोला है अरुबा के तुम्हारे रूल्स है, क्लियर बोला है यार अरुबा का, यू मेक द रूल्स, एक पे एक निकालो ताकि गेम लंबा ना हो, वरना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, साथ में से चार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं और आने दोनों खेलते हैं, अगर अभी चार लोग गिर गए पूरा दिन चलेगा ही नहीं, ये गेम देखें, ये गेम पूरा अच्छा बस अब मैं और आने खेल रहे हैं, मेरी बात सुन लो, एक एक करके आउट करूंगी ठीक है, जिसका उसका रूल है वो उसका रूल है। अब मैं भी बोलूंगी अपने हक के लिए, जी बोले पहले पहले वाले में भी बैलेंस नहीं था, चार लोगों का गिरा निकलेगा, लाइन से खड़े पहले में यहाँ फासला था वहाँ करीब करीब थे तीन लोग, देखो अब असूल की बात है मैं बोलूंगी। फिर अरुबा जो लाइन वाली बैग वाली वो गेम थी उसमें भी इतने लोग लाइन से आउट हो रहे थे, जाने का नहीं मैं तो खिलाऊंगा, शुरू में सब इक्वल नहीं खड़े हुए थे तो यही मैं बोल रही थी ना, लेकिन मेरी बहन बोल रहा था सारे अपने आप से, मैं बोल रही थी इक्वल नहीं रहेगा, फिर अंबर बोलती है, अंबर बोलती है बोलना चाहिए था, ये डिस्टेंस बात से सारे इनको समझ नहीं आ, मैं पहले कोई इक्वल नहीं, ये तीन इतने करीब थे, उस वक्त बोलना चाहिए था ये ज्यादा, तो अंबर भी आप उस टाइम क्यों खड़ी हुई और आपने क्यों खेलना शुरू किया, हमारी गेम तो खराब, आप जैसे अभी चिल्ला रही हैं वैसे उस टाइम चिल्लाती ना कि ये अरुबा मुझे करके दो, मगर अब जब चीजें हो रही हैं आउट दो को निकाल कर फिर तीन को आउट, फिर तुम उस वक्त बोलना चाहिए था यार कि फिर तुम दो को अंदर करने दो, ये तो हो ना, फिर तुम या तो फिर रूल्स रूल्स से चलो, के लिए उस पर बोल, मैंने पहले भी बोल रही थी डिस्टेंस का अलग है, यहाँ के करीब है वहाँ के दूर है, उमर ने टिटेड यू पे का शुरू से करा दो, शुरू से आ जा सारे, ये तो कोई डंडा शुरू से आ जाए सारे, आवाज आ रही है प्लीज आ जाए यार, ये क्या है, ये क्या गुजारत है यार, ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करें प्लीज, कर क्या रही हो, ये रूल्स हैं प्लीज सब शुरू से आ जाए, एक दफा हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, एक रखो, एक घंटा गुजर चुका है अरुबा जी, हम नहीं दोबारा करेंगे, हिलेंगे आप आगे डंडे कैच, आपकी नहीं सुनूंगा, आपकी क्यों सुनूं, आपकी क्यों सुनूं भाई, वजीर ने कह दिया खत्म बात। अरुबा अब ये बता दो अगर दीदी के डंडे गिरेंगे चाहे चार बंदों पाए वो निकल जाएगा, हाँ, एक बंदा निकलेगा, एक बंदा निकलेगा, ये पूरा दिन भी कैसे चलेगा, पता नहीं वो उन्होंने बनाया है बस, बस उनकी मर्जी है, एक बंदा निकलेगा मर जाएगा जो बेचारा पहले से, आपकी वजारत बहुत पहले खत्म हो गई थी, उनको लेने दे, वजारत की बात नहीं कर रहा मैं, असूल की बात कर रहे हैं, एक वक्त में एक गिरेगा ना, हाँ क्यों गिरेगा, जिसके डंडा नहीं पकड़ेगा वो निकल जाएगा बाहर, ज़ैनब इधर पाऊ करो, एक पाऊ आपका स्टिक के इधर हो, एक उधर हो, सेंटर में करे सब अपने स्टिक्स, सबकी स्टिक सेंटर में होनी चाहिए, ऐसे उल्टे हाथ से पकड़ना होना चाहिए, ये असल में हम लोग गलत खेल रहे, सीधा पे स्पेशल बोलते हैं सीधा तो डंडा यूं ताकि पसला, यार दानिश भाई नहीं हिलाए डंडा, ये सही है, हॉर्न बजने में कुछ पता नहीं कब बज जाए, आप मेरे मेरी गेम खराब करा देंगे, आप खुद भी नहीं हिले डंडा भी नहीं हिलाए यार, प्लीज थैंक यू, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको पता है किस वक्त हॉर्न बज जाएगा, आपका डंडा वहां होगा तो मैं गई, अगर हार बढ़ गया मैं वो डंडा पकड़ा के जाऊंगा। अंबर जी ग्रेट, अंबर जी बहुत आला, अंबर जी अंबर जी अंबर जी ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है अंबर जी, जहाँ खड़ा है वहां से आगे नहीं हिलेगा, आपने बोला है मिशेल वही रहेगी, मिशेल कम्स बैक बिकॉज ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, ओके इधर, अरे मैं उधर ही हूँ, डंडा उधर ही है, रहने इधर होगी, इधर इसके सेंटर में यहाँ, हाँ बस ये, काश आप दूसरी जगह पे भी देख लें, इतना बड़ा डिस्टेंस था, उस एक को, उस एक को सही करने के लिए आपने सबको हिला दिया, हाँ वो मेरी फुप्पू की बेटी है,
अच्छा फिर तो नेहा नेहा एक शख्स था जिसने कहा था कि ये गेम 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये किसने बोला था? वो समझ गई है। और नेहा ने भी एक कुछ कहा था अभी में खत्म हो जाएगा कि आप अपने असूल मत बनाएं। हो जाएगा 15-20। हाँ ये तो मैंने बोला था जो बात आप मत बताएं। वो मैं था जिसने कहा था तालियां 20 मिनट में एक हाथ से तालियां। देखो अगर हर राउंड के दरमियान आधा घंटा बस वेट कराएंगे अगर हर राउंड के दरमियान 30 मिनट बस वेट कराएंगे तो जाहिर सी बात है बातें करो डंडे तो ना हिलाओ यार वरना तो 20 मिनट का गेम था। अपना मुंह उधर कर लो अब पीछे वालों को देखने होगी गोल गोल घूमे जो ज्यादा बात करता है मारे सर। देखो रूपा मेरा ना सीधा सा फंडा है मैं चापलूसियां नहीं करता और ना करूंगा कभी ठीक है सही बात करता हूँ बुरी लगती लगे मेरी बात सुनो ना मैंने चापलूसी की है मुझे कुछ अथॉरिटी दी गई है ना कि मैं कर सकती हूँ तो मेरे रूल्स हैं बाकी और कुछ भी नहीं है। वो मुझे मना करेगी कि अरुबा आपकी नहीं करें मैं नहीं करूंगी। आप आपने जब लाइन से उस दिन नेहा बाहर जा रही थी मैंने आपको बोला वो बाहर जा रही है ये रूल नहीं है आपने कहा मैं जजू मैं बताऊंगा तो आज मैं जजू आज मैं बताऊंगी कि क्या मैंने पूछा था ना शुरू में कि मैं खेलूं या आऊं मैंने पूछा था हाँ, आपने कहा खेलो बस ठीक है फिर आपने कहा बाहर आओ मैं आया हाँ, मगर जो ये हुआ है ना ये गलत हुआ है जो ज़ैनब की दोनों बागी इधर थी वो तो चली गई। जैसे उस दिन आपने मुझे बताया था कि नेहा बाहर जा रही थी आपने कहा जज मैं हूं अरुबा नेहा खेलेगी तो उसके बाद आपने नेहा को आउट किया इसी तरह जज आज मैं हूं तो मैं बताऊंगी कौन खेलेगा कौन सही है सही है सही है सीधी रखें नारे में सीधी रखें आपने यूं फेंका मेरे यूं फेंके मैं अपना ना पकड़ू आपको यूं पकड़ा के जाऊं कौन आउट सही है चीटिंग कर लो डांडे कर लो एडी को आप कर लो क्या बात है मैं आपके लिए खड़ी हूं बस बता दूं यूं पकड़ा के जाऊं एडी नो बॉल कह रहे आप भी एडी नो बॉल ना मारे एडी ने मर जा एडी ये ले कर लो चीटिंग अपने भाई क्या हो गया उसकी दवाई का टाइम अरे सॉरी मैं जज्बाती हो गया अब मर्जी आप कब तक गिरा है मैंने कहा एडी नु मौलाना मारे से एडी नहीं मरता मैंने कहा कर लो अपनी चीटिंग ये यार उन्होंने यूं किया है आप फेंका है उन्होंने यार तो मैं आपको यूं पकड़ा के जाती है ले एडी फिर मैं आपको आपने बाकायदा आगे फेंका यार कर लो चीटिंग एडी आप जाए जिसका मैं देखूंगी वो एक बंदा आएगा यार जब राउंड खत्म होता है ना तो जरा खामोशी कर लिया करें वो बता सके कि कौन बाहर आ रहा है I was not the first one out. यार ये डिस्टेंस को क्या कर लिया आप लोगों ने? ऐसे तो पूरा दिन ही चलता रहेगा। गेम है ब्रो। मिशेल ये ज़माना आ गया। नहीं वो एक बंदी की वजह से सीधे जीत हो रही है। मिशेल ऐसे दिन आ गए हैं। मिशेल। ओ गाइस बहुत आला यार। बदतमीजी यार ना। रुबा। हेलो। गिर गया। अब हम करीब आ जाएं, आ जाओ चलो रानी मिशेल ये लो मैं ऐसे खेलती हूँ ठीक है एक बंदी की वजह से आपने गेम बदला है रानी मेरा मसला है ठीक है अगर बादशाह सलामत को मसला होगा तो मुझे बता देंगे वहां से सही है बस अब आप नहीं बोलेंगे अपने हक के लिए मैं हमेशा बोलूंगा मैं हमेशा बोलूंगा अपने हक के लिए आप भी वापस गए थे आपको डंडा गिरा था यहाँ पे क्यों खेलने गए थे तो आप किसी और आप की बात करते और यहाँ बैठ जाते फिर आपने किसी आप भाग की बात करते और बैठ जाते आप किसी और की बात में आई थी मैडम ये आपको लग रहा है मुझे पता है मुझे क्या करना है दिख रहा है वो बोल रहा हूँ मुझे पता है मुझे क्या करना है आप बैठ जाइए नहीं मैं खड़ा हूँ खड़े रहे फिर ठीक है मगर जो गलत है मैं बोलूंगा तो बोलते रहे फिर जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी प्लीज बस प्लीज बहुत है भाई ज़ैनब में बड़ी पावर है बस लगाते रहो किसी एक को बना लो और उसकी पावर है उसकी ये है उसकी जो है मुंह में बोल रहा हूं पीठ पीछे क्यों भाई क्यों क्यों बोल रहे हैं आप एक बंदी की वजह से पूरा गेम हिला है हां ठीक है मेरी मर्जी मेरा गेम है मैं खेला बस इनसे बोल रहा हूं भाई यार बात सुन लो आप हैं कौन आप जज कर रही थी ये तमीज है अपनी हार माननी चाहिए भैया मैन यार तुम चुप रहो भैया मैन की बच्ची चुप रहो करोगे मारोगे मारो क्या मारूंगा तुम्हें मैं तुम मारने के काबिल नहीं हो तुम बात करने के काबिल नहीं हो एक मिनट मेरा सर फट रहा है 10 सेकंड खामोशी करें दानिश भाई सो जाएंगे ये क्या बदतमीजी है यार
मैं खुद ही गिरा नहीं, मैं, ये चीटिंग मैं की है यू इसने। नीज पे गिरा हूं, अगर नहीं ये चीटिंग की है, ये डंडा अपने साथ लेके गया नहीं, 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 डंडा अपने साथ लेके गया डंडा ये डंडा अपने साथ लेके गया इसने छोड़ा ही नहीं जज वी आर नॉट द जज इसने छोड़ा ही नहीं इसको छोड़ा इसने छोड़ा ही नहीं है मैं यहां तक आ गई हूं मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं इसने छोड़ा ही नहीं मैं अंदर हो जाओ चीटा और ऊपर अंदर हो जाएं और मैं खुद गिरा और ये तीन नहीं पड़ गए अपने यू नहीं मैं कहा मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं चीटिंग हुई है ये चीटिंग हुई है ये चीटिंग हुई है इसने डंडा ये साथ लेके गया ये डंडा साथ लेके गया मैं यूं गिरा हूं ये डंडा साथ लेके गया आप डंडे को साथ लेके गए और आप गिरे विरे नहीं थे आप डंडा साथ लेके गए थे देख लिया था डंडा साथ लेके गएंगे डंडा साथ लेके गएंगे डंडा छोड़ा था आप नहीं छोड़ा डंडा बिल्कुल छोड़ा नहीं छोड़ा हो सकता है वो राइट पे गिरा ये अलग बात है मैं डंडा साथ में नहीं लेके गया और हो सकता है कि वो यू राइट साइड पे गिरा वो अलग बात ये इन्होंने गलत किया है ये इन्होंने चीटिंग की है यार आपकी वजह से आपके सारे रूल मान रहे हैं तुमसे पहले किसी और का गिरा था रिप्ले दिखवा दे अगर देखिए मैंने मेरा मेरा ध्यान इन पे था तो मैं ये बात कर सकती हूं अगर लग रहा है मैं पिछला डंडा पिछला सुन लो एक अगर लग रहा है मैंने जानबूझकर किया ये गलत है आप मुझे नहीं करवा रहे तो मैं इस तरह से नहीं होता है अगर लग रहा है कि मैंने जानबूझकर किया चुपचाप लगा हो जाओ नहीं मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है क्या हुआ अगर आपको लग रहा है दो डंडे तुम्हारे आगे गिरे हुए थे यार ये तो नेहा तुम्हारे आगे हम बात कर रहे हैं यहां पे देखिए जिसका डंडा गिर गया जाओ लेके यूं गए यूं यहां क्या हमने नहीं खाना यार जय उसके आगे से बैठ के पकड़ा नेहा बाहर आ जाओ देखिए आप रिप्ले करवा दें उधर और आप अपनी डिसीजन लो रिप्ले करा दे रिप्ले करवा अगर आप दिखवा सके यू एंड कसम से इफ यू फील कि नहीं यार ये लग रहा है कि अनफेयर था मैं आउट जाऊंगा फिर मैं आउट जाऊंगा फिर मैं आउट जाऊंगा मुझे याद नहीं है मुझे खुद याद नहीं है लेके जाएंगे मैं कैसे पकड़ूंगी हां ज़ैनब कभी गिरा था मैं भी 10 दफा गिरा के वापस आऊंगी गेम में बार-बार मैं भी यही करूंगी दो दफा इतना गिर चुके हैं आउट नहीं हुए हैं ये मैंने आपके हाथ में नहीं देखा कैसे क्या नहीं देखा उसके डंडा नहीं था जब वो नहीं वो उसने वो डंडा लेके ऐसे गया दिस इज व्हाट ही डिड उसने छोड़ा ही नहीं डंडा कैसे आया उसने छोड़ा ही नहीं उसने वो वाला पकड़ा और ये वाला भी साथ लेके गया उसने छोड़ा ही ना मुझे पता ही नहीं मुझे ऑनेस्टली यस हमारी बारी इन द हाफ सेकंड मोमेंट मुझे नहीं पता क्या हुआ उमर अली नहीं अब पीछे पीछे होंगे ना चार से होंगे तो मैं पीछे गिरा मैंने तुम्हारे हाथ में नहीं देखा क्योंकि वो साथ लेके चला गया था तो उसके हाथ में तुम्हारा वाला था हां कहां से था मेरा वाला उमर के हाथ में था ना उमर के हाथ में मैं उमर के साथ साथ उमर के हाथ में मैंने छोड़ दिया था मैं डेमोंस्ट्रेट करूं इसके पास दिस इज व्हाट हैपेंड अरे भाई इसका वाला तो मेरे पास है ना हां और ये अपना डंडा साथ लेके ऐसे गया है हाँ, हाँ, इसका मेरे हाथ में इसका डंडा नहीं इसका डंडा इसके हाथ में और वो डंडा एक नीचे गिर गया सही कह रही है सही कह रही है दो डंडे थे दोनों डंडों को इसने ऐसे पकड़ा हुआ है और कह रहा मैं गिर गया मुझे याद नहीं है यार बड़ी मीन डिस्कस्टिंग मैंने इतना भी कहा है रिप्ले करवा दो अगर मैंने गलत किया है नेहा तुम्हारे हाथ में था तुम बाहर होगी नहीं मैं नहीं बाहर होंगी ये गलत फैसला है उनके हाथ में दो डंडे थे मैं तो कह रहा हूं रिप्ले करवा दो अगर सबको लगता है वो लेके गिरा था दो डंडे वो लेके गिरा दिस इज व्हाट ही डिड थे दिस इज व्हाट ही डिड दिस इज व्हाट ही डिड मेरे पास हाथ में था अकॉर्डिंग टू द रूल मेरे हाथ में दिस इज व्हाट ही डिड सारे का डिस्टेंस घूम रहे हैं सारे का डिस्टेंस घूम रहे हैं ये क्या हो रहा है This is what he did. क्या हो रहा है और ये दो दफा गिर चुका है इसको आउट होना चाहिए फिर एक डंडा नीचे ये दो दफा गिर चुका है मैं बताता हूं अभी आई डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं मुझे बताया आपने इसका डंडा पकड़ा था अपना पकड़ा था मैं आउट हो गया कि मैं आउट हो गया मैं पकड़ा था आप मुझे एक और डंडा ला के दो ताकि मैं डेमोंस्ट्रेट करूं इसको दो मैं आपको दूंगा यार आने प्लीज ना जल्दी लेकिन नेहा के आप ये गिर गए ये छोटा मैं अब आपको डेमोंस्ट्रेट करता हमारी गेम भी खराब हो रही है जल्दी ये रेडी आप मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूं ये आपने नेहा को अपना पकड़ा था आपने छोड़ मैं आपको डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं आप इन सब पागलों की बात ना सुनिए ये सब पागल हो गए बाहर आ जाओ तुम नहीं खेल सकते नहीं नहीं एक सेकंड मैं आपको डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं आप इन लोगों को आपको एक मिनट एक मिनट मैं आप सुनिए नहीं यार
अच्छा ये पकड़े आप नेहा अहमद नाथ ये लोग कह रहे हैं कि मैंने जल्दी बोले मैंने यूं गिरा के उसका पकड़ा है तो वो अपना ये कैश नहीं कर पाई उसका ये कहना है हो सकता है कि आप रिप्ले दिखवा दो All said and done, मेरे हाथ में रॉड आ मेरे हाथ में मिशेल का रॉड था मेरा रॉड गिर गया नेहा could not pick it up. All said and done. वो खड़ी थी नेहा ये कह रही है नेहा ये कह रही है कि जरा पकड़ी थी पास से कहां गई एक मिनट आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ है आप ये कह रही हैं कि मैंने आपके हाथ में स्टिक नहीं देखी दैट्स इट नहीं देखी क्योंकि उन्होंने दोनों पकड़ी हुई थी दोनों नहीं पकड़ी थी मैंने डेमोंस्ट्रेट किया आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ये हुआ होगा कि मेरे हाथ से यूं गिरी और मैंने दूसरा पकड़ लिया यकीन नहीं है ज्यादा यार तू बस ड्रामे कर रही है हमारी गेम खराब कर रहे हैं यार आपकी गेम कहां से खराब हुई बजर नहीं बजेगा जब तक ये डिसीजन नहीं होता बजर तो ऐसे भी नहीं चलेगा एक सेकंड मैंने आपके हाथ में स्टिक नहीं देखी अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ बस दो मिनट मेरी बात सुनिए मैं चली जाती हूँ बाहर जाके करो बात यहाँ से निकलो वहां जाके बात करेंगे एडी इधर आ जाओ सुनिए ज़ैनब तो वहां खड़ी थी मिशेल की तरफ यार आप क्या मसला है यार बैठो यार ज़ैनब क्या चुप हो जाओ घूम गए सब बराबर खड़े में घूमते ये पूरा घूम चुके हैं दो दफा एडी यू छोड़नी है ये भी कह रहा हूँ कि अगर रिप्ले करवा दे यू छोड़नी है बस ठीक है ब्रो यू नो इन दिस प्रेजेंट मोमेंट नहीं पता चलता मैं इतना भी कह रहा हूँ बस ये देख ये छोड़ मैं इतना भी कह रहा हूँ कि अगर वो आप लोग रिप्ले दिखवा दे अगर वजीरा कहती है मैं आउट हो जाता हूँ कसम से मेरे हाथ में होगा तो मैं डंडा कैसे दूंगी उसको अगर एडी के हाथ में डंडा होगा तो डंडा कैसे मिलेगा हो जाओ सजा दे दो मुझे मैं सही हूं मुझे पता है सही हूं आई नो दिस दो हो गए ये पता है उसके बाद पूरा सर्कल अपनी मर्जी से घूम चुका है नेहा के हाथ में डंडा इसलिए नहीं आया क्योंकि एडी ने गिरा दिया वजीर साहिबा दोबारा करवा वजीर साहिबा एडी डंडे के साथ ऐसा था गो गो देवी ऊपर है ये क्या हो रहा है वजीरा 350 साल की गेम है पूरे दिन की गेम है तो फिर मिशेल एडी और उमर के बीच में जाओ पूरे दिन की है तो ये तो यार एडी दो झंडे लेके गिरा है मैं भी वापस आऊंगी मैं अगर गलती से निकली मैं भी वापस आऊंगी मैं भी वापस आऊंगी बादशाह सलामत आपको आके पूछेंगे कि आपको जेल के कार्ड क्यों दिए थे तो कहिएगा कि मैं मेरे हाथ से नहीं मिस हुआ मेरे हाथ से नहीं हुआ मैं आपको दिखाऊंगा वापस पीछे आ जाए सारे यार ये बहुत गलत है मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने ये गेम के बाद अरे यार यहाँ पे तुम अनफेयर हो रही हो यार ये तो शुरू में सबको निकालना था वहाँ पे क्या दिखाया गया था जिसके डंडे गिर रहे हैं वो बाहर है ये देखना नहीं देखना इस गेम में क्या है कैसे चली गई कैसे गई तो ना होने दो कैसे गई अरे तो क्या हुआ उससे फर्क क्या पड़ेगा सब घूम रहे अरे सब अभी अपनी लाइंस पे हैं 4 3 2 1 भाई दाने जी दानिश भाई क्या कैच पकड़ा है यार क्या बात है मेरी तरफ से दोनों डंडों की क्लैप दानिश भाई इसीलिए मैं कह रही हूँ फोकस करें तुम तो साथ ही खड़े हो अली भाई मजिया ना खानी पड़ती अली भाई साथ ही खड़े हो यार अरे इधर आओ ज़ैनब तुम्हारी लाइन ये है जो जहाँ मैं यहाँ आई हूँ छोटी लाइन पे जाओ मैं छोटी लाइन पे हूँ यार दानिश भाई क्या बात है यार एवरीवन कमाल 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 क्या कैच किया यार मान लेते तो आपको कहां बाजी दानिश भाई ने खड़े होकर एंड में यूं भी किया है क्या बात है यार ब्यूटीफुल ब्रो बहुत दूर नहीं हो गए हम हैप्पी नेहा
उमर नहीं गिरा यार, नहीं गिरा, उसने पकड़ा लेके चले गए थे नीचे से, यहाँ से उठा लिया था मैंने, थोड़ी लगा है, उठा लिया था, अरूबा पकड़ लिया था मैंने यहाँ से, फिर यूं टच करके फिर मैंने ये उठाया, नहीं पहले ऊपर वाला हिस्सा लगा तो पकड़ लिया था यार मैंने, कह तो रहा हूँ हम तो निकल गए थे, मैंने देखा है, अरे आगे एच टच हुआ है ना, जब मैंने यूं पकड़ लिया तो फिर यूं टच हुआ है ना, उमर पहले गिरा है तुमने पीछे से पकड़ा है, यार अरूबा पकड़ लिया था मैंने यार, फ्लोर पे टच हो गया था यार, वो तो टच उसका भी हुआ है, वो पकड़ तो सकता है ना, यार तुम नहीं बोलो, प्लीज चुप हो जाओ, नहीं ना पकड़, अब तो वो तो गिरते में सबको ही टच हुआ है ना, तो हो सकता है ना, नीचे गिर गया था उमर पहले ऊपर वाला हिस्सा लगा फिर नीचे आया, अरे पकड़ के यार टच हुआ है अरूबा, गलत थोड़ी कह रहा हूं यार, इतना तो प्रूव कर दो यार कि हां जी अब आपने सही किया, गलत थोड़ी कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, इस तरह से कर रहा हूं, देखा तो बोलो ना नेहा, अब आप मैंने बोला, मैंने पकड़ा है फिर टच हुआ है यार, मैं सही कर रहा हूं, मुझे बताओ दोस्तों, बताओ मुझे वकील है, वजीर से पूछो, आप भी बताए वजीर से बात करना पसंद, क्या जरा वकील है, मैं बताऊंगी किसको आउट करना है, जज बताता है, जज ने बताया था उसके मुताबिक गए, तो मैं बताऊंगी अगर जहां मैं अनफेयर होंगी वहां खुद बादशाह सलामत बोल देते हैं, जैसे नेहा गई थी बाहर, बादशाह सलामत ने आपको कहा था आपने गेम चलानी है, मैंने मैं फेयर नहीं कर रही, मैं अनफेयर नहीं कर रही, ठीक है, उसके हाथ में डंडा था लेकिन अब वो कह रहा है नीचे वाला साइड, जबकि मुझे लगा नीचे ऑल जमीन पे गिर के उसने थोड़ी उठाया है, हवा में लगा है, अब अगर उठा लिया था ना, ये उठा लिया फिर यूं टच हुआ है, फिर मैंने यूं उठा लिया था यार, ज़ैना गलत बात था, पहले मैं थोड़ी कह रहा हूं, होता तो उठाता ही नहीं नीचे से, तो फिर सही बात कर रहे हैं, ज़ैनब अली में से पहले किसका गिरा, मेरा बाद में गिरा, पहले तुम्हारा गिरा है, नहीं मेरा बाद में गिरा, किसका गिरा है पहले, किसका गिरा है पहले, अली भाई का गिरा है पहले, अली भाई का गिरा है पहले, आप कट्ठे गिरा है, बल्कि अली का पहले गिरा है, अली भाई का पहले गिरा है, अली का पहले गिरा है, पहले आप गिरा है उसके बाद गिरा है उसका भी, अब आप देख लें अली भाई पहले आपको, आप देख लें दो का इकट्ठा हो गया, आप खुद ही बंदा दो दो चांस ले रहा है, अंदर आ जाए ये तो बता दो, नहीं आपने तुम बताओ पहले किसका अली भाई शुरू ही नहीं कराती, पहले आपको आप कोई फैसला लेती नहीं है, एकदम हॉर्न बजना होता है, आप बाहर आ जाए फैसला हो गया, ज़ैनब को गिरा अली का पैसा है यार, वो दोनों मुझे टारगेट लेके बैठे रहे तब से, उमर मैं तुझे कह रहा था इस तरफ को गिराई ब्रो, अली भाई बाहर आ जाए, बाहर आके डंडा सही रखे, कैसे रखूं इतनी दूर दूर है सब, अरे ज़ैनब पीछे जाओ, दरमियान में, दरमियान में छोटी लाइन में, पहले आपका गिरा है फिर ज़ैनब का, पीछे आपकी गिरा है, ये कैसे साबित होगा, फिर आप आए सामने से पूछे, आपने पिछले लोगों का कैसे साबित किया, क्योंकि मैंने अंदर आया सबको दो दो चांस आपने दिए ना, क्योंकि मैंने उनका देखा और उनको निकाला, अब क्या पता मेरा पहले टच हुआ या एक सेकंड के फासले से ज़ैनब का टच हुआ, मैंने आपका देखा, मैं कम से कम अपने राइट के लिए तो बोल सकता हूं कि नहीं, ए बी सी, ए फॉर अली, जेड फॉर ज़ैनब, ए पहले आता है तो आप अंदर रहे, जेड हैंड में आते हैं, ज़ैनब को मार बोले, मैं चुप नहीं हूँ, ये फैसला कैसे होगा, लगता है मैं चुप जाऊंगा, जैसे अभी पिछला फैसला आप ले रही थी और वो हॉर्न बज गया, आपने गेम शुरू कराई एकदम हॉर्न बजाना, आप मुझे खुद बता दें, आप दोनों बाहर आ जाते क्यों, दोनों मुझे आप बताएं ना, एक भी एक भी बंदे ने आपकी बात नहीं मानी यार, नहीं वो दोनों ही वापस आए हैं, एक एक को निकालो ना, दो दो पहले गिरा तुमने खुद बोला है, तो सब यहाँ पे चांस में गिरते हैं, आप या तो एक तरीका, मैंने आपको देखा आप बाहर आ जाए, बात खत्म हो गई, ये अनफेयर है, ये अनफेयर है यार, एक सर्कल अंदर आए ना, ये अनफेयर है, आपकी बात किसी ने भी नहीं मानी, आप मुझ पे जोर चलाएंगे, आप आ जाएं, नहीं ये अनफेयर है, जब सबने दो दो चांस लिए हैं, आप बाहर आ जाएं, आप गेम स्टार्ट ही नहीं करवा रही, बाहर आ जाएं तो आप मैं गेम स्टार्ट करूंगी, अब कराएंगी, आपको सारा होश अब आया है, हाँ मैं बेहोश थी, अब आप वहां चले जाए, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, तो खड़े रहे पर यहाँ पे, नहीं ये तो गलत बात है, नहीं करूंगी, हम अंदर आ जाए, हम अंदर आ जाए, लेकिन आ सकते हैं, ये गलत है यार, अली के साथ गलत है, ज़ैनब का गिरा था यार, लोगों को कम होना होगा, अली के साथ गलत है, ज़ैनब का, जैसे हम कह रहे थे तुमने नहीं सुना तो मुझे नहीं बताओ, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, चुप तो हूं हम ऑडियंस है,
कवर खा के आते हैं यार, अगर वो बीच में रहेंगे तो हमारा डिस्टेंस कैसे कवर होगा? ये कैसे फैसला होगा कि पहले किसका गिरा था? मैंने आपका देखा था, आपका गिरा पहले। हट जाए, मुझे खड़ा करना है सबको। ये बात आपको सबको क्यों नहीं आपने पहले कही? आप आ जाए बाहर, मुझे ये बता देना कि वो दो दो चांस लेके क्यों बैठे हुए हैं। प्लीज गेम शुरू हो जाएगी, गेम शुरू होगी मैं डंडा पकड़ूंगा। ये तो ज्यादती है ना, बाहर आ जाए। अगर तो देखें, मैं नहीं देख रहा, आप नहीं देख रही, बाकी तो सारे कैमरा देख रहे हैं ना कि जिस जिसने दो दो तीन तीन चांस लिए हैं, ये आपने बाकी सब पे क्यों नहीं किया? मुझे हक है अपने राइट के लिए बोलने का, जिस तरह सबको है। आप बाहर आ जाए। नहीं, आप फिर जो जो एक डिसीजन में बाहर गया था वो सब बाहर जाएंगे। आप बाहर आ जाए। आप सबको करते मैं भी हो जाता हूँ। आप सबको करते मैं भी हो जाता हूँ। आप सबको करते मैं भी हो जाता हूँ। फिर जो जो आके वापस बैठा था वो चला जाए, मैं भी चला जाता हूँ। फिर तो ये भी गई थी, ये भी जो भी किया था, एडी भी किया था, ठीक है, आपको लग रहा था इसका भी टच हुआ, तो फिर आप इन सब का फैसला कौन करेगा? आप सिर्फ मेरे पे, आप मेरी दफा, आपको आपने मेरा देखा है, किसी ने हो सकता है उनका देखा हो कैमरे में, किसी और का देखा हो, फिर आप किसी से फैसला करा। नहीं तो फिर आपने आपने तो ये टच होता भी देखा था, इन दोनों को भी देखा था। मैंने आपका देखा, आपको बोल रही हूँ बाहर आ जाए प्लीज। नहीं, आप अकेले, आप मेरे साथ आप अनफेयर कर रहे हो, क्योंकि सबको आप दो दो मौके दे रहे हो जस्ट प्रेशर की वजह से। आप प्लीज बाहर आ जाए, दैट्स रॉन्ग। आप बाहर आ जाए, पता नहीं, दैट्स रॉन्ग। आपने जिसको हुक्म दिया किसी ने नहीं माना, आपने कहा कि मैंने किसी का प्रेशर नहीं लिया, मैं किसी नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, ये आपको लगता है। आप बाहर आ जाइए, सही है, आप प्रेशर मत दीजिए, आप आ जाए, आप बहुत अच्छे हैं ना, आप बाहर आ जाए। मैं अच्छा गेम में कोई अच्छा नहीं, मैं क्यों, आप हार गए, तमगा लेना है। आप उन सबको बाहर भेजिए जिनको आपने एक एक मौका और दिया है। मैं नहीं आपको दूंगी, बस आप मुझे जेल भेज दें, ठीक है, मुझे जेल भेज देना। हमारा सर्कल कैसे कर, आप मुझे जेल छोड़ रहे हैं, पीछे गेम चलती रहेगी। वो बीच में है ज़ैनब के, वो कहना है आगे जाओ। मुझे जेल छोड़ रहे हैं आप, मुझे जेल छोड़ रहे हैं, उधर जाएं। देखिए मैं फिर, मैं तो सबकी गेम खराब करूंगा फिर। इधर आए, इधर यार, सर्कल सर्कल लेवल करें। मैं आपको बता रहा हूँ वजीरा जी, मैं इस तरह, आप मुझे जेल छोड़ रहे हैं, आप मुझे जेल छोड़ रहे हैं, मुझे जेल में छोड़ा है। हर वो बंदा जाते जेल में, एक मिनट बस, राणा एक मिनट, दो मिनट ले लो भाई, बस दो मिनट बोली ना। हाँ गेम ना बोली, कटी ना तो बोली ना। हाँ हाँ, आप मुझे या तो जेल छोड़े या फिर आप हर उस इंसान को जिसको दूसरा मौका यहाँ मिला है, मैं आपसे मशवरा नहीं मांग रही। नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मत दे, आप मशवरे अपने पास रखें। तो फिर आप मुझे जेल छोड़े, आप उधर बैठ जाए, आपको घर जाती जेल छोड़वाऊंगी, आप फिक्र ना करें, आप उधर तशरीफ रखें। वो अनफेयर गई थी ना, वापस आई थी गेम में, आप बाहर आ जाए। एडी भी अनफेयर गया था, वापस आया था, मैं वापस नहीं कर सकती, अनफेयर गई थी, राणे भी अनफेयर गया, आई वाज नेवर आउट, आई वाज नेवर आउट। वो मेरा नेहा का अलग से, वो तो अंदर घर में जाने में 6 घंटे की जेल है, वो क्या 6 घंटे की जेल है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तुम्हारे तो समझ आ गई तुम्हें, एक लफ्ज भी। आप बाहर आ जाए, नेहा अनफेयर गई थी ना, राणे और मैं खेल रहे थे तो वो अंदर आ गई थी, अगर मैंने अनफेयर किया होगा, क्योंकि मैंने आपका डंडा गिरता हुआ देखा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप बाहर आ जाए, अगर मैं गलत होंगी तो बाहर सलामत आपको खुद भेज देंगे, आप अंदर बाहर आ जाए। चलें जी, मैं जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जिस जिस के साथ भी जो जो खैर सब देख रहा है, सब दिख रहा है, आप नहीं कराएगी आके यार, रुक जाओ, सब दिख रहा है, सब अब आगे करवा दो, यार नहीं आना, नहीं मुझे पता है सबको, जो जो हो रहा है अब तक वो सब नजर आ रहा है उनको, नहीं नहीं सब कुछ आ रहा है यार, कोई बात नहीं, जाना होगा मैं चला जाऊंगा, नहीं तो वोटिंग से बच जाऊंगा, आप सिर्फ मेरी दफा स्टैंड ले सकते, उधर जाओ ना यार, रेडी, शुक्राना है, दुआ करवाए, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब तो आगे आ जाए, शुक्र कल वाली टीम खड़ी भी है, ये उस टीम के, हम इस टीम के, उस तरफ क्यों फेंका है यार, अंबर जी आप खामोश रहे, वो डंडे के साथ आप खामोश बैठे हैं, वो एम ही पकड़ के गिरा है, खामोश बैठे हैं, जज हैं यहां पर, गिरा है उसने, पकड़ा है ना, वो साथ गिरा है, खामोश बैठे हैं भाई, आप खामोश बैठे हैं, जज हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं, उल्टा हाथ और सीधा हाथ, प्लेइंग अ गेम, नहीं खामोश बैठे हैं आप, नहीं ऐसे थोड़ी, मुझे बोलना, मैं बोलूंगी, क्या बात हुई,
ये हुआ था आगे गया मुझे गुड आगे जा रहे हैं सारों के आगे जा रहे हैं ओ उमर अरे यूं फेंकना थोड़ी है यार इसने यूं करके फेंक दिया अरे सब के आगे जा रहे हैं यार अरुबा अब आगे आ जाए सब के आगे जा रहे हैं नहीं नहीं अरुबा एक बात बताओ यूं करके फेंकेंगे तो कैसे पकड़ेंगे सब के आगे जा रहे हैं ना सब आगे गए इतना फोर्सफुली फेंका है नहीं यूं फेंका है ना टीम कब होती जा रही है भागना जल्दी पकड़ो जल्दी जल्दी भागे हैं फेंका नहीं है भाई आपने यूं छोड़ना है ओ भाई नहीं थ्रो किया है जल्दी जल्दी में भागे दूसरा पकड़ने के लिए तो दूसरा पकड़ो पर फेंको थोड़ी डंडा ऐसा नहीं है कुछ भी आपको लग रहा है आप आउट हो गए हो अरे फेंका है ना यार तुमने नहीं मैंने नहीं फेंका है आप आउट हो गए देखो लड़ाई नहीं करो यहां खड़ा हूं इतनी मैं यहां खड़ा हूं लड़ाई नहीं करो मैं अगर जवाब नहीं दे रही आगे से तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है जवाब दोगी तुम यार आप गलत कर रहे हो ना आप आउट हो भाई जज वहाँ पर है तुम क्यों बोल रही हो वो खुद देख रही है मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा क्योंकि तुमने गलत फेंका ना नहीं मैं यहाँ पे बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ आप गलत बोल रहे हो इस काबिल के तुम बातें सुनो अपनी हार माननी चाहिए भैया मैन यार तुम चुप रहो भैया मैन की बच्ची चुप रहो क्या करोगे मारोगे मारो क्या मारूंगा तुम्हें मैं तुम मारने के काबिल नहीं हो तुम बात करने के काबिल नहीं हो तुमसे बात करने से क्यों आ रहा है भैया मारूंगा नहीं बदतमीजी की बात है यार आराम से बात कर ये देखो मैं क्या कह रही है आराम से मारूंगा क्यों तुम्हें आप आउट हो रहे हो तीन दफा आपने डंडा छोड़ा है लेकिन तीन दफा छोड़ा है देखा है आपको अरे तुम हो कौन तुम जज हो मैं कौन हूं वो पता चल जाएगा गेम पे फोकस करो चल जाएगा रो तू एक नंबर की हर बात पे तो रोती रहती है चल ब्रो आउट हो गए आउट हो गया ओन इट मैन यार आप फाइनल आप बताओ अरुबा अरुबा गेम रिज्यूम करो यार देखो रूल जो तोड़ा है ये बाकी लोगों के लिए भी सही है ना यार मैं बाहर आ जाओ मुझे उनको सही खड़ा करने दो प्लीज इधर आ जाओ अब इधर आ जाओ मैं कर रही हूं ना उसको नहीं बताओ तुम नहीं बताओ सॉरी पिंक पैंथर ये नताशा को देख अभी जैसे सामुराई बन के ने उसने 8 विलेन गिराने हैं नताशा को कंफ्यूज मत कर रहे हो अरे अच्छे दादा कर गए अच्छे दादा अब ऐसे तो ये भी बाहर जा रहा है दादा भाई पीछे दादा भाई पीछे थोड़ा किया बोली नहीं फेंकना नीचे सर्कल से बाहर हां बस बहस करने के बजाय गेम पे कर रहे हो ओ आजा मेरे छोटे तरबूज आगे आ जाएं वेल प्लेड मिशेल आगे आ जाएं दानिश भाई आगे मत भागा करें कभी-कभी दोबारा बच जाता है मैंने सीधा ही छोड़ा है डेमो में यही सर्कल था नहीं बोलो ने हाँ सही बोल रही हूँ शुक्र ये होगा इस तरह तो हाँ इनको पीछे करो पीछे ऐसे नहीं होगा यार क्रॉस नहीं कर सकते क्रॉस नहीं कर सकते खेल छिलो कर रहे हैं ना पीछे जाए ये गलत कर रहे हैं आप लोग पीछे आए पीछे पीछे हो पीछे हो पीछे हो पीछे वाले सर्कल में चले जाओ बड़ा सर्कल हो जाएगा अरे ये रखते हैं ये है ना बस यार आओ यहां इधर यार थ्रो नहीं करो ऐसे यार यार नया थ्रो करके यार मैंने थ्रो नहीं किया है मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं मेरे पास दो दफा आपके मुंह पे लगा सही तो खड़े हो मेरे मुंह पे आ रहा है यार डंडा तो आपको नहीं आता थ्रो करना यार आप लोग पीछे हो जाए सीधा रखिए पीछे हो जाए पीछे हो जाए नेहा सीधा छोड़ो थ्रो नहीं करो सीधा छोड़ा थ्रो नहीं करो छोड़ के भाग जाओ बस पकड़ लूंगा नानी भी आप बहुत सीधा नहीं रख रहे ओए नताशा गुड कैच नताशा गुड कैच नताशा उय इनको हल्का यार ये दो दो हाथ यूज कर रही है भाई दो दो हाथ यूज कर रही है ये देखो दो दो हाथ यूज कर रही है दो दो हाथ यूज कर रही है ये दो हाथ का तो सीन ही नहीं है वो नहीं है करने का नहीं है करने का नहीं है पहले दिन से सब दो दो पहले वक्त से दो दो हाथ राइट से पकड़ना है राइट से ओहो लेकिन मैंने पकड़ लिया था तो मैं गिर रही हूं है ना मैंने पकड़ लिया था तो मैं गिर रही हूं है ना अरुबा ये दो हाथ वाला क्या सीन है ब्रो नताशा आउट हो गई
और राइट हैंड नहीं उससे पहले भी लिखा था यार एक हाथ पीछे करो, राइट हैंड से पकड़ा है, उसको आउट कर दूंगी जिसने राइट हैंड से पकड़ा मैं उसे आउट कर दूंगी जिसने थ्रो किया छोड़ने का है सिर्फ की पकड़ा है नहीं पकड़ा है हाथ का नहीं बोला तो फिर क्या टांग का बोला है हाँ आप चुप कर जाना आप रो नहीं करूंगा एक ही हाथ से दो हाथ से तो बहुत आसान है यार शाबाश दानिश भाई आगे अब पता क्या होगा मैं सबके लिए मैं करता नहीं करवाया गया मैं कोई फेवरिज्म नहीं मैं इंसान सबको पता है तुम गेम खेलती कैसे हो और उसके बाद रोती हो अरुबा ने जब ऐसे वैसे कुछ नहीं आप नहीं बोल सकती थी अली तमीज है इनको मेडिसिन दो भाई बहुत आला है क्राई बेबी यही कर सकते हैं इट्स ओके लग रहा है जो रोता है वो सबको पता है सबको पता है पहले दिन से कौन रो रहा है सबको पता है पहले दिन से कौन रो रहा है नहीं बादशाह बादशाह सलामत आए सब बैठे हुए बोलने कोई मसला है एक बच्ची सबसे ज्यादा रो रही है नन्नी मुन्नी सुबह से बोलती है सुबह से मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं मेरी तबीयत का अरे क्यों पूछे तुम्हारी तबीयत का भाई तुम कहाँ आई हुई हो हाँ बच्ची बच्ची बनी हुई हो छोटी सी इतनी बड़ी बच्ची मेरी मर्जी मैं जितनी भी मेरी मर्जी आपको क्या वो हर आपको क्या इतना नोटिस क्यों करते हो कैसी बातें कर रहा हूँ मैं कैसी बातें कर रहा हूँ अच्छा आप बताएं अब मैं बोलूंगी हाँ आप अगर आपको तीन चांसेस अब मैं बोलूं सबसे पहले आपका डंडा गिरा था नीचे जब आपका नहीं भाई आप है कौन आप जज कर रही थी आप जज कर रही थी आप फिर भी खेल आउट हो गई आप नहीं बोल सकती आप नहीं बोल सकती आज आपको ज्यादा ही बोल रही थी आप अपने लिए भी बोल रही थी और आप आगे आ गई थी आप आगे आ गई थी आपको चांसेस मिल गए थे ना आप बार बार क्यों बोल रही हैं आपको तीन चांसेस मिले कौन से तीन चांसेस मिले पहले आपका डंडा गिरा कौन से थी कोई कोई नहीं गिरा था कोई नहीं गिरा पहले तीसरी दफा भी एक दफा गिरा और वो भी बेईमानी की किसकी जो तीसरी दफा गिरा है वो भी इसने जोर से थ्रो किया था भाई ऐसा नहीं होता है गेम में सब कुछ होता है सबको सब पता है गेम में क्या होता है गेम में रूल था ये रूल था जो तोड़ा था सब अपने तरीके से खेलेंगे सबको पता है तुम गेम खेलती कैसे हो आप बता नहीं सकते सबको पता है तुम गेम खेलती कैसे हो और उसके बाद रोती हो ओए अभी तो रो आप रो तू लेकिन मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है मेरा किसी ने आगे सर ही नहीं दबाया मुझे सब बोली करते हैं मुझे सब बोली करते हैं इतनी इतनी बुरी एक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखी जिंदगी में नहीं देखी कसम से सर में दर्द होता है लंगड़ा के चलती है ये तो एक्टर है ये एक्टर है उमर के लिए दूध की बोतल नहीं रखी सर में दर्द होता है तो लंगड़ा के चलती है यार आप छोड़े आप नहीं मैं आपकी नहीं सुन रहा मैं नहीं सुन रहा आपकी मैं वहां नहीं सुन रहा था यहाँ भी नहीं सुनूंगा इनको मेडिसिन दो भाई आपकी नहीं सुन रहा मैं किया तो क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोल रही थी आप बहुत ज्यादा बोल रही थी ये तमीज है नहीं आप तमीज तो फिर बीच में आपको बोलने की क्या जरूरत थी ऐसे बात आप भी लाउड थी आप भी लाउड थी मैं तो बोल रही आप मेरे गेम में नहीं बोल सकती जब जज है वहाँ पर आप नहीं बोल सकती आप नहीं बोल सकती फैजान भी था जुनेद भी था इनमें से कोई नहीं बोल रहा था आप नहीं बोल सकती अरुबा ने जब बोला कि जब अरुबा ने भाई अरुबा जज थी ना वो बोल सकती थी आप नहीं बोल सकती थी ऐसे तो अरुबा ने जब ऐसे वैसे कुछ नहीं आप नहीं बोल सकती थी एंड ऑफ स्टोरी अरुबा ने जो देखा
देखा, आपका बोलना नहीं बनता था, बस बात खत्म। आपको बदतमीजी करना, उसको चुप कराए, आप उसको चुप कराए, मॉमी बने उसकी, मॉमी बने, वो शक्ल देखो, शक्ल देखो, अल्लाह माफ करे, कसम से, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ज्यादा देर नहीं देखो, तबीयत खराब हो जाएगी, इधर देखो, इधर देखो, वो शक्ल देखो, वो रोते रहो, रोते रहो, मर्द हो, लड़की से हार गए, ज्यादा करीब से नजर आए, तुम डर जाओगे यार, चिल करो, टास्क था, चिल करो ना, चिल करो यार, अरे चिल करे भैया, आप भी चिल करे, आप क्या बोलना शुरू हो गई, यहाँ पे आके भी जजमेंट कर रही है, वहाँ बैठ के भी जजमेंट कर रही थी, क्यों नहीं बोलूंगी, गलत होगा, पर दानिश भाई आपने कमाल किया है, वो बोल सकती है, दानिश भाई जो जीते हैं ना, बहुत आपने रोतू को हराया है ना, आपने कमाल किया, अभी पता है बहुत ही, मैंने डालना भी, मैं खाना चाय बना रही हूँ, इतनी बुरी एक्टर, खुदा की कसम, इतनी बुरी एक्टर, असली 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 बादशाह सलामत कहते हैं सब खुश है ना, नहीं मैं खुश नहीं, मुझसे कोई तबीयत का ही नहीं पूछता, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, अबे इतना कौन रोता है यार, इतना कौन रोता है, मुझे सब बुली करते हैं, हारने के बाद इतना बुली करते हैं यार, इतना कौन रोता है, इतना कौन रोता है यार, बताओ ना, इतना सबको पता है कौन रोता है, अभी वोटिंग करवाऊंगा ना, सारी उंगलियां यहीं पर आएंगी, कर लो घर में, कर लो जो वोटिंग करनी है, भाई जो तुम्हारे बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद उस चीज को हाईलाइट करती हो, तुम सबके बीच में बैठ के यही बोलती हो, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा वो नाश्ता चल के नाश्ता बना लो, मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी तबीयत खराब, अरे क्यों पूछा तुमसे, यहाँ क्यों आई हो फिर, क्या तो घर में रहती तुम, अरे आते जाते पूछे कि तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है आपकी, हैं खाना खाया, दूध पिया, जाहिल बोलोगे आप, हमें जाहिल बोलोगे, किसको जाहिल बोला, किसको जाहिल बोला, अरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, दानिश भाई कमाल किया आपने, कसम से जितनी खुशी, मैं मुझे चाहिए नहीं बजारा, मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं बादशाह सलामत ने कहा बजारा किसको चाहिए, बादशाह सलामत ने कहा इसको तो इग्नोर करो, इसको तो इग्नोर ही करो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा बोलो, हर चीज में, हर चीज में, oh my god, अल्लाह, मसले मसाइल, the most pathetic actor, यहाँ पर आके इतनी एक्टिंग करने की कोशिश, ये क्या लेवल है इन लोग का, तुम इधर का इलाज कराओ, मैं तुम्हें सही बताऊँ, एडवाइस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ का इलाज करवाओ, तुम यू रियली नीड अ सीरियस थेरेपी, तुम्हें बहुत सीरियस थेरेपी की जरूरत है, तुम्हें सीरियस थेरेपी की जरूरत है, Good for you too. बहुत जरूरत है तुम्हें. Good for you too. बहुत जरूरत है. बहुत अच्छा है. Yeah. बहुत जरूरत है. Yeah. अल्लाह इतना जलिस. रोतू. इतना जलिस. इतना फर्क पड़ गया. एक झंडा गिर गया यार. हाय शकल देखो. एक झंडा गिर गया यार. देखो तो सही. मेरा सर फट रहा है. चाय लेकर आओ. बन रही है. जलिस. बन रही है. बोलती है उसको बोलने दो क्योंकि उसने रोना डाल देना है कि ये तो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, भाई रोए हां करे, she was bullying me yesterday and I said nothing like that, like no, I was shaking because I was like मैं कुछ ना कह सकती हूं, ना वही कह रहा हूं, बुली तुम्हें पता क्या है और तुमने अपने रखा हुआ क्या है, तुम कोई तुमसे बात ना करे, कोई तुम्हारे मुहायदे तुम्हारे किसी ना किसी से, मुझे जब मैं मुझे वजारत मिली थी यही जो आज वजीर है मुझसे क्या कहा था अरूबा ने, अरूबा ने कहा था मुझे किचन में ये नहीं चाहिए नया, क्यों कहा था उसने, पागल थोड़ी है कि सबकी हटती है, और फिर कल इसने क्या क्या बकवास की है, गेम में कितना इरिटेट करती है ये औरत, कैमरे में देखी हाय भाभी हाय ये लगी हुई, अब ये कौन करता है हरकतें यार, अली अली सिकंदर और जैनब, हमने खुद देखा था जैनब का पहले गिरा, तो मैंने बोला मैंने अरूबा नहीं जैनब का पहले गिरा, तो कह लेंगे नहीं बस अब आप कोई मुझे ना बताएं, जैनब की तरफ उसने मुझे मना कर दिया, मुझे कोई नहीं बताया मेरा डिसीजन जो मैं देखूं, जबकि जैनब का गिरा था, जैनब का ही गिरा था या जिसका भी गिरा था, तो हमें अपने पकड़ने के चक्कर में दो दो नजर भी नहीं आते ना, हमने देखा ना साफ, आप लोग तो सामने बैठे हो, एडी तो साफ देखे भागा था, अगर 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 साफ ना दिखता तो ना कभी, इफ आई हैव डाउट मैं फिर कभी नहीं बोलूंगी, नुकसान नहीं करूंगी किसी का, अननेसेसरी किसी का, नाम
वेरी गुड, मजा आ गया भाई। अरे अल्लाह शुक्र, फाइनल वर्डिक्ट है या इस पे कुछ सरकाज़म है? पहले बता दे, हम खुश हो जाते हैं फिर आप असल बात बताते हैं। गुड टास्क, बड़ा वाकई बड़ा तरीके से सबने खेला। दानिश मुझे तो यकीन ही नहीं था, मैं समझता था ये हार जाएंगे। जबरदस्त, वेल प्लेड, वेल प्लेड दानिश भाई। आपने सबको हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया सर, अल्लाह सबको रुला भी दिया, हंसा भी दिया। कोई आपको अपना कंपैरेटर नहीं मान रहा था, तो आप खतरे के घर से बाहर हैं। थैंक यू फॉर ऑल। तो 9 लोग अभी भी खतरे के घर में। वजीर जी प्रेशर दे रहे थे आपको लोग, मगर मुझे ऐसा लगता है कि You did a great job. पावर्स दी थी, उस पावर्स का इस्तेमाल भी किया, कहीं कहीं गलतियां हुई हैं। नंबर वन, आपने बार बार सबको चांस दिया, नहीं दिया तो अली को नहीं दिया। कल मैं फिर आऊँगा एक नए टास्क के साथ, अब देखते हैं कि कितना पेशेंस है, कितना आपका दिमाग काम करता है और कितनी बर्दाश्त है आपके अंदर। कल फिर मुलाकात होगी, एंजॉय करें, टेक केयर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा पियोगी नहीं पियोगी? नहीं। अच्छा अभी कम बना है, पूछ लो। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, डॉलन्स एंड वीट।